वीके न्यूज़ राष्ट्र के नाम। और एक लोगों पे एफआईआर दर्ज कराएंगे हम लोग। समाजवादी पार्टी की लीगल टीम, भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल चलाने वाले जो दिल्ली में बैठते हैं, दिल्ली से बैठ करके पूरे उत्तर प्रदेश को खराब कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की टीम लगातार लगी हुई है कि कैसे झूठा प्रचार हो। उन्होंने मेरी एक तस्वीर फ्रांस की लगाई है, जिसमें यह कहा है कि जो इत्र व्यापारी कानपुर पकड़ा गया था वो भी साथ खड़ा है। उस व्यक्ति पे एफआईआर जरूर समाजवादी पार्टी कराएगी। और मैं चाहूंगा कि वो तस्वीर दिखाई जाए, अगर स्क्रीन पे ला सकते हैं तो स्क्रीन पे ला सकते हो वो तस्वीर ले आओ एक बार। तो भारतीय जनता पार्टी से झूठा कोई नहीं है, उनसे ज्यादा झूठ बोलने वाला कोई नहीं, झूठ बांटने वाला कोई नहीं, और उन्हीं के लोग उस झूठ पे भरोसा भी करते हैं। अगली जी एफआईआर अभी होगी या सरकार बनने के बाद? नहीं, एफआईआर तो अभी दी जाएगी, तहरीर अभी दी जाएगी, कार्रवाई सरकार के बाद होगी। ये सुनना चाहते थे आप? क्योंकि इस सरकार में हमारे खिलाफ कोई बोले, एक एफआईआर नहीं होती, न पकड़ा पकड़ी होती है। अगर एनडीए नेताओं के खिलाफ कुछ लिख दो तो पुलिस घूम रही होती है, घर मकान घूमते हुए। और जब उत्तर प्रदेश के डीजीपी पावर ही नहीं बची, मुझे बताया कि पावर ही खत्म हो गई किससे जाएंगे। फिर भी समाजवादी पार्टी देकर के आएगी, एक तहरीर देगी कि जिन्होंने इस तरह का किया है, जो धाराएं बनती हो उसके खिलाफ कार्रवाई। वैसे देखते पहले फोटो देख लो, सरकारी पैसे से ये दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। सरकारी पैसे का मतलब कि हमारा आपका भी पैसा एड में लगाया जा रहा है, हमारा आपका पैसा भी एड में लगा करके हमारे खिलाफ प्रचार हो रहा है। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल, वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।